अरे बोल क्या चाहिए? एक छोला कचौरी दे ना। अबे ये 5 रुपए छोला कचौरी 20 रुपए में आती है। अबे साले गरीब 20 रुपए लेके चल भाई यहाँ से। 5 रुपए में क्या आता है वो दे दो। 5 में इमरती आ जाएगी। ये ले भैया, अंदर बैठ के खा लूं। हाँ जा खा ले। अरे भैया एक छोला कचौरी बना के दो ना। हाँ भैया अंदर बैठिए, मैं आपको अंदर ला के देता हूँ। ये लीजिए भी आपके गरम गरम छोला कचौरी। हाँ मम्मी। हाँ आ रहा हूँ। बेटा ये आप खा लो, मुझे घर से अर्जेंट फोन आ गया। ठीक है भैया। अबे साले गरीब भाग। मदद ऐसी करो भाइयों कि किसी को पता भी ना चले। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना। देख बेटा वो है घर। चाचू का मकान तो बहुत बड़ा है। हाँ बेटा चाचू का मकान बहुत बड़ा है। चल बेटा उजेर अंदर जाओ और चाचू को बुला के लाओ। पापा तुम भी चलो ना। कोई नहीं आएगा शादी में, समझा दे रहा हूँ। तू काहे के लिए आ रहे? आपको तो मालूम है छोटी बहन की शादी है और बहन की ये तमन्ना है कि दोनों भाई मेरी शादी में आए। ओए ये इमोशनल डायलॉग मेरे को मत दे, बहुत बहन बहन करता है ना तू। तू कर दे उसकी शादी, अब मेरी क्या जरूरत पड़ी तुमको। भाई गुस्सा छोड़ो और सब पुरानी बातें भूलो, वो अपनी बहन है, अपन दोनों को मिलकर शादी करना है। अरे यार मेरे को माफ कर दो, तुम सब मर गए मेरे लिए, मेरे को नहीं जाना तुम्हारा शादी वादी में। पापा चाचा अपनी शादी में क्यों नहीं आ रहे? बेटा आपके चाचा के पास बहुत पैसा है, इसके लिए वो सारी रिश्तेदारियाँ भूल गए। जिस दिन ये पैसा उनके पास खत्म हो जाएगा ना, वही पुराने रिश्तेदार याद आएंगे उनको। चलो ऐसी दौलत पर गुरूर ना करे जिससे अपने ही दूर हो जाए। अरे भाई नारियल पानी कैसे दिए? ये 40 रुपए का एक है। भैया 35 का लगाओ ना यार। यार भाई ये रेट तो हमको घर में भी नहीं पड़ता। ठीक है भाई दो कर दो। भैया एक नारियल पानी दे दो। भैया आपको दो चाहिए? ठीक है दे रहा हूँ। चलो बेटा आप तो लेके जाओ। ये लो भाई आपके 20 रुपए। अरे भाई क्या मेरे को पागल समझा क्या? मेरे को 40 का दे रहा है, उसको 20 का दे रहा है। भाई अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अपन को कमाने वालों में से बनाया है। तुमको मालूम है उस बच्चे पे उसका बाप का साया नहीं है, और भाई उसकी माँ हॉस्पिटल में कई दिनों से भर्ती है, और वो बच्चा रोज उसकी माँ के लिए मेरे पास नारियल पानी लेके जाता है, और उसमें क्यों ना थोड़ा सा हवा मैं भी कमा लूं। भाई मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा, मुझे माफ कर देना भाई, और भाई आपकी सोच को सलाम है। वाह यार तमजीद तो बहुत नेकी का काम कर रहा है यार। अबे फिर आखिर दोस्त है किसका? खुदा भी अपनी रहमतों की उस पर बरसात करता है जो जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता है। अरे भैया मेरी गाड़ी देखना, चलते चलते बंद हो गई। जी भैया। ए फिरोज भैया की गाड़ी देख ले जरा। ठीक है भैया। अरे अज्जू जरा गाड़ी देख ले। फिरोज देख लेता हूँ, इसमें तो छोटा सा ही काम है, आज इसको बेवकूफ बना के सारे दिन की तनख्वाह इसी से लेता हूँ। क्या हो गई गाड़ी आपकी? उस्ताद कितने पैसे हुए इसके? ये आपके 400 रुपए हुए। 400 रुपए? ये लो। चल यार जल्दी यार भाई आओ। भैया 400 रुपए, काम तो 50 का ही था, 400 रुपए ले लिया उससे मैंने। अबे मैंने तुझे बेईमानी करना कब सिखाया साले? खरीद करा है ना, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, और आइंदा तूने ऐसी गलती करी ना तो तुझे काम से निकाल दूंगा। ये ले पकड़ पैसे, उसे वापस कर क्या बेमान। अरे भैया ये आपके पैसे वापस रखो, 400 रुपए असल में दूसरे से लेना थे, आपके 50 रुपए हुए। आओ यार भैया मैं भी सोचूं कि आपके 400 रुपए कैसे हो गए। ये लो आपके 50 रुपए। आज तुझे माफ कर रहा हूँ, अगली बार तुझे माफ नहीं करूंगा, तुझे काम पे से भगा दूंगा। ठीक है भैया। अगर रोशन तूने तेरी गाड़ी के लिए 25,000 रुपए लिए थे काम कराने के लिए, वो कब देगा? 5 दिन से मेरी गाड़ी गुजरात गई थी, मोटा माल लेके आएगी। भैया ये पार्टी ने 30,000 रुपए दिए और मैं जरा घर जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा है? अभी तुझे बॉम्बे के लिए निकलना पड़ेगा। अरे भैया 4 रातों से मैं सोया नहीं हूँ, और देखो मेरा मोबाइल भी खराब हो गया है, मेरी बीवी की तबीयत भी खराब है। अरे तुम टेंशन मत, मैं आ जाऊँ, मैं तेरे परिवार को जाके देख लूंगा और कुछ पैसे भी दियाऊंगा। भैया अगर ऐसी बात है तो मैं चले जाता हूँ। ला भाई मेरे पैसे तो दे दे। हाँ भाई लेना। चाचा मम्मी की तबीयत खराब है, पापा का फोन बंद आ रहा है। तेरा बाप अभी तक आया नहीं गाड़ी पे, तो मेरा क्या कसूर है? तेरे घर की परेशानी है, तू खुद जाके देख ले। अरे बेटा रुक। अबे रोशन झूठ क्यों बोल रहा है? अभी तो आया उसका बाप गाड़ी पे से, तूने उसको भेजा ना? मेरे लिए ड्राइवर कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ नोट छापने की मशीन है, उसकी माँ कल की मरती आज मर जाए। अभी मेरे सामने तूने उसके बाप से वादा करा ना कि तू उसके परिवार का ख्याल रखेगा, तो दुनिया में सब करना मगर किसी से वादा खिलाफ ही मत करना। चल बेटा मैं तेरी माँ का इलाज करवा दूंगा। अगर मैंने सही किया है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। अरे साइकिल चलाने का टाइम हो गया, शायद अभी तक आया नहीं। हाँ यार वो आ गया। अरे साथ इधर आ। हाँ भाई क्या हुआ? क्या बात है, तू साइकिल लेके घूमने नहीं चल रहा? नहीं यार भाई मैं नहीं जा रहा हूँ।
तू नहीं जा रहा? सबसे ज्यादा मन तो तेरे होता साइकिल चलाने का। भाई सच बात क्या है हमको बताना। मेरी साइकिल खराब हो गई है, मैकेनिक ने सुधारने के 100 रुपए मंगाए। अरे यार शायद हमारे पास भी पैसे नहीं है, कभी हमारे पास पैसे होते तो हम तेरी साइकिल सुधरा देते। रहने दो, कोई बात नहीं भाई तुम घूमो। अरे बेटा ये 100 रुपए तुम्हारे क्या? मुझे वहाँ पड़े मिले। नहीं नहीं हमारे नहीं है। बेटा ये तुम्हारे है क्या? चाचा ये मेरे भी नहीं है। एक काम करो बेटा, ये आप रख लो और आप सबने इसको खर्चा कर लेना। देख शायद तेरी साइकिल सुधराने के पैसे आ गए, चल तेरी साइकिल सुधराएंगे। हाँ भाई। बच्चों की खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।